हर फिल्म इंडस्ट्री की तरह साउथ फिल्म इंडस्ट्री का भी यही दस्तूर है कि एक फिल्म में काम करने के दौरान कलाकार एक दूसरे के प्यार में पड़ गए हैं और कुछ स्टार तो प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि बिना सोचे समझे ही एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं, पर उन कस्मों को पूरा नहीं कर पाते, इसलिए तो वो जल्दी एक दूसरे का साथ भी छोड़ देते हैं और किसी और का हाथ थाम कर उनकी बाहों में मजे करते हैं। साउथ इंडस्ट्री में कई ऐसे कपल्स रहे हैं जिन्होंने कभी दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई, पर आज वो स्टार किसी और की बाहों में है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको साउथ के कुछ ऐसे ही कपल से रूबरू करवाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो कपल। नंबर वन, इलियाना डिक्रूज और राम पोथिनेनी। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम साउथ की फेमस स्टार इलियाना और राम पोथिनेनी का शामिल है। इन दोनों ने भी कभी एक दूसरे के साथ 7 जन्म तक रहने की कसम खाई थी। बात है साल 2006 की, जब दोनों ने फिल्म देवदासु में काम किया था। इस फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और दोनों के बीच प्यार इतना गहरा हो गया था कि दोनों ने हमेशा साथ रहने की कसम भी खा ली, पर जल्द ही दोनों की ये कस्में झूठी साबित हो गई और दोनों ने अपनी इस कसम को तोड़कर एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। जहां आज इलियाना अपने नए बॉयफ्रेंड एंड्रू निबोन की बाहों में काफी खुश है, वही राम निधि अग्रवाल की बाहों में काफी खुशी से जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर टू, नयनतारा और प्रभु देवा। साउथ की मशहूर अदाकारा नयनतारा और मशहूर कोरियोग्राफर प्रभु देवा भी आज समय पर एक दूसरे के प्यार में पागल थे, साथ ही एक दूसरे के साथ 7 जन्म तक जीने मरने की कस्में खा ली। इतना ही नहीं, प्रभु ने तो अपनी पत्नी से तलाक भी ले लिया, पर जल्द ही दोनों के प्यार का बुखार उतर गया और वो सभी कस्में धरी की धरी रह गयी। जल्द ही दोनों ने अपने रिश्ते को तोड़ दिया और अपनी राहें अलग कर ली। जहाँ आज नयनतारा अपने नए बॉयफ्रेंड विघ्नेश शिवन की बाहों में मजे कर रही है, वही प्रभु आज अपनी पत्नी के पास वापस जाकर आज उनकी बाहों में खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। नंबर थ्री, रकुल प्रीत सिंह और राणा दुगुबाती। ये नाम सुनकर आपको हैरानी हुई होगी, पर ये बात सच है कि एक समय पर रकुल प्रीत सिंह और राणा दुगुबाती भी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने पागल थे कि 7 फेरे लेकर शादी तक करने को तैयार हो गए। पर एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेने जाने वाला इस कपल ने भी जल्द ही अपने रिश्ते को तोड़ दूसरे का हाथ थाम लिया। जहां आज रकुल सिद्धार्थ मल्होत्रा का हाथ थाम कर उनकी बाहों में चैन की जिंदगी गुजार रही हैं, तो वहीं राणा मेहका बजाज से शादी कर उनके साथ एक खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। नंबर फोर, काजल अग्रवाल और नवदीप पलापोलू। फिल्म चंदा मामा में काम करने के दौरान एक्ट्रेस काजल अग्रवाल और अभिनेता नवदीप एक दूसरे के काफी क्लोज आ गए थे। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते थे और उस थोड़े से समय में ही दोनों के बीच प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम कर साथ जीने मरने की कस्में खा ली, पर जल्द ही इन दोनों ने एक दूसरे के लिए सभी कस्में बड़े एक झटके में तोड़ दिया और हमेशा के लिए अलग हो गए। जिसके बाद जहां काजल अब बिलियनियर गौतम किचलू के साथ 7 फेरे लेने जा रही है, तो वही नवदीप शाहरुख के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। नंबर फाइव, प्रभास और अनुष्का शेट्टी। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में साउथ के सबसे चहेते कपल प्रभास और अनुष्का शेट्टी का नाम है। एक तो ये दोनों पहले से ही काफी अच्छे दोस्त हैं, वही बाहुबली फिल्म के दौरान दोनों की नजदीकियां और बढ़ गईं और दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ हमेशा रहने की कस्में खाई, पर बाकी कपल की तरह इन लोगों ने भी अपनी कस्मों को जल्द ही तोड़ दिया और एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए अलग हो गए। जहां आज प्रभास पूजा हेगड़े का हाथ थाम कर काफी खुश हैं, तो वहीं अनुष्का शेट्टी डायरेक्टर प्रकाश की बाहों में खुश हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी जोड़ी एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर थी, जिन्हें आप हमेशा साथ देखना चाहते थे? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।